शकीले स्वभाव के बारे में मैंने पहले वीडियो में कभी सारा बताया था, अभी और उसका एक अलग पहलू ये वीडियो में बता रहा हूँ। तो आइए, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। एक बिजनेसमैन आया, करीब करीब उम्र उसकी 32-33 साल की हुई और 2-4 साल से वो धंधा कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। दिखने में काला, उसका फेयर जो मतलब कलर जो था वो काला था दिखने में, और था भी। और उसके मन में शक आ रहा है कि भाई पत्नी जो है ना, तो उसको पत्नी को ऐसा लगता है उसको कि मैंने पत्नी ये जो है ये ठीक नहीं है, और वो बराबर बातचीत नहीं करती है, और कहीं ना कहीं इसका कोई चक्कर चल रहा है, कुछ ना कुछ वो सोचते रहती है, उसके मन में कुछ व्यक्ति है, मैं नहीं हूँ, ऐसा उसके मन में बार बार विचार आते थे। फिर उससे खटके भी उसको उड़ते थे, पत्नी के साथ में झंझट भी होती थी, इरिटेबिलिटी होती थी, गुस्सा होता था। जब उसको पूछा भी, बैठा मैं उसको पूछा क्या हुआ, क्या जरा बताओ। क्या होता है कि जब हिस्ट्री बताता है व्यक्ति तो पूरा सब मालूम पड़ जाता है। हिस्ट्री ऐसी थी कि ये बचपन में मतलब पैदाइशी काला था, इसकी जो दो सिस्टर थी वो काफ़ी फेयर थी, मतलब इतनी काली नहीं थी, ये बहुत काला था। तो तब से हुआ क्या कि लोगों ने ताने मारने चालू किए, बच्चों ने मतलब इसके साथ वाले, कि तू तेरा बाप का नहीं है, ऐसा कैसा हो सकता है कि तेरे दो बहनें दिखने में फेयर है और तू इतना काला है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ा। ऐसा उसको बचपन में दोस्तों ने ताने मारने चालू किया और उसके दिमाग में चक्कर चालू हो गया कि कुछ तो भी गड़बड़ है। उसने इधर से उधर से जानकारी निकालने की कोशिश किया, ऐसा कुछ तभी। फिर उसके मदर के बारे में उसने शक करना चालू किया, जब ये इसका ऐसा लगा कि नहीं, इसके मदर का ही कुछ ना कुछ लफड़ा होगा और मैं ये बाप का लड़का ही नहीं होऊंगा, ये मदर ने कुछ तभी क्या होगा, मदर के ऊपर अपने वो शक करना चालू किया, वहाँ से उसके खटके उड़ने लगे। फिर उसने मदर के साथ में भी बातचीत करके वो पूरा शक निकाल दिया और उसको ये हो गया कि नहीं ठीक है। मगर मुझे ऐसा लगा कि वो लिपापोती हो गई ऊपर ऊपर से, उसको लगा ठीक है, मगर दिमाग में वो था ही कि भाई मैं ये माँ का लड़का नहीं हूँ, इतना काला कैसे है। और फिर वो जो शक था, वो शक शादी के बाद में भी ऐसा हो गया कि मदर मेरी जब ऐसी ये है और मैं शायद मेरे माँ का लड़का नहीं हूँ, या सॉरी माँ का लड़का नहीं, मतलब वो ये मेरे पिताजी नहीं, माँ का लड़का माँ वही है मगर ये मेरे पिताजी नहीं है, और कहीं कोई होंगे मतलब दूसरे। तो मदर के बारे में जब ये शक करना चालू किया तो उसको ये हो गया कि नहीं, औरतें ऐसी होती है और औरतें कुछ भी कर सकती है। जब इसकी शादी हो गई तो वही उसने अपना अपने बचपन का जो था वो अपने औरत के ऊपर सब डाल दिया कचरा, और उसके बारे में विचार करना चालू किया कि जब मेरी मदर ऐसी हो सकती है तो मेरी औरत भी ऐसी हो सकती है, और औरत के बारे में चालू हो गए। फिर उसका ये हो गया कि उसको जो बच्चे हो गए, ये व्यक्ति को जो मेरे पास में आया था, उसको दो बच्चे हैं ये उम्र में, तो ये बच्चे भी मेरे नहीं हैं और ये बच्चे भी और कहीं किसी के होंगे, जैसा मैं मेरे बाप का नहीं हूँ और मेरा बाप और कोई हो सकता है, मतलब वो दिमाग लिपो चालू है अंदर। जब वो मेरे पास में आया, मैंने बोला तू सब जिंदगी सब लोगों की खराब कर रहा है। अब इस तरह की कंप्लेंट दिमाग में रख के, इस तरह का वहम दिमाग में रख के क्या करने वाला है, करना क्या है, या ऐसी ज़िंदगी जीना है या और कुछ करना है, यहाँ क्या एक्शन कर सकता है, वो एक्शन कर ले, जो भी कृति कर सकता है वो कृति कर ले, जो भी तेरा शक है वो नील होने के लिए मतलब वो पूरा निकलने के लिए जो भी करना है कर ले, जो भी कर सकता है। बोले मैं क्या कर, मुझे क्या मालूम, मैं सोल्यूशन दूंगा नहीं, आप देखो कि क्या सोल्यूशन है और क्या सोल्यूशन आप इसमें से कर सकते। तो बोले मैं इतने साल से मेरे दिमाग में चालू, मतलब क्या कर सकता है, बोले मैं डीएनए टेस्ट कर सकता हूँ, मतलब कर ले डीएनए टेस्ट कर ले, जो तुझे करना है वो कर ले, मगर दिमाग में ये शक रख के सबकी ज़िंदगी खराब मत कर, खुद की ज़िंदगी भी खराब कर रहा है, फैमिली की, उसकी माँ बाप की, सबकी ज़िंदगी खराब कर रहा है। बाकी अच्छा है, बाकी धंधा पानी अच्छा कर रहा है, मगर दिमाग में वो कीड़ा कांडी चालू है। तो जब उसको मैंने ये बोला, बोले ठीक है मैं अभी इसका निपटारा करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी आपने जो बोला हो कि भाई ऐसी ज़िंदगी में कब तक जीऊँगा, मतलब समझो एक 100 साल की उम्र है, अभी 32-33 साल की उम्र है, तो क्या 60-70 साल ऐसी जीना है इस तरह से, मतलब जो करना है कर ले, मैं कुछ बोलूँगा नहीं, मैं कुछ सोल्यूशन दूंगा नहीं,
तुम्हारे दिमाग का शक जाने के लिए जो मर्जी करना चाहे वो करो, मगर ये शक दिमाग में रख के मत करो, क्योंकि आप जब शक कर रहे हैं तो आपके ब्रेन का कुछ हिस्सा आपने किराए पे दिया हुआ है किसको, और उसका किराया भी नहीं मिल रहा है, मतलब किरायादार है और किरायादार किराया नहीं दे रहा है, आपका ब्रेन उसमें ऑक्युपाइड है, फ्री नहीं है कि आप फ्रीली काम कर सके, धंधा पानी कर सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए आपको अच्छा लगा तो जरूर ये शेयर करो, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम है और शक है, कुछ ना कुछ शक उनको आते रहता है, दिमाग में कोई डालते रहता है, ज़िंदगी ख़राब कर देते लोग। ये लोगों को, जितने भी शकीले लोग होंगे ना, इनको ये वीडियो आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, शेयर करते हैं ना, तो उनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा फ़र्क पड़ जाएगा। अब आपको अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, और बेल आइकन आता है उसके ऊपर क्लिक करो, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।